मैं हूँ आभा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहाँ मैं शेयर करती हूँ मेरे वीडियोस एवरी फ्राइडे मंडे एंड अ बोनस वीडियो ऑन वेंसडे एट 2 PM। आज का ये वाला वीडियो, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया है, तो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी रिलेटेड टू योर वेडिंग लहंगा, एंड मैं बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से आपके वार्डरोब में पड़े पुराने आपके शादी के लहंगे को वापस से एक बार फिर से यूज कर सकते हैं, एक बार फिर से पहन सकते हैं, बट एक नए तरीके से। शादी का लहंगा हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बहुत अहम आउटफिट होता है हर किसी के लिए, एंड बहुत ही खुशी से, बहुत ही मन से हर कोई इस आउटफिट में इन्वेस्ट भी करता है, क्योंकि शादी एक ही बार होती है। एंड अपने चॉइस से आप अपने हिसाब से अपने लिए एक अच्छा, एक परफेक्ट, एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा भी परचेज करते हैं, बट क्या कभी वो लहंगे यूज़ हो पाते हैं वापस? कभी नहीं। आई एम श्योर कि आपने अभी तक तो अपना लहंगा वापस से यूज़ नहीं किया होगा। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने शादी के लहंगे को, अपने वेडिंग के लहंगे को वापस से यूज कर पाते हैं। एंड सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वो शादी का लहंगा वैसे का वैसा ही आपका, आपके कबर्ड में, आपके वार्डरोब में पड़ा रह जाता है, क्योंकि हम उसे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ गई हूँ, एंड आई एम श्योर इसकी हेल्प से आप अपनी शादी का लहंगा 1 से 2 बार तो जरूर यूज कर लोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लहंगे का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है स्कर्ट, और स्कर्ट में ही काफी सारा वर्क होता है। मैक्सिमम डिजाइन स्कर्ट में ही होती है, एंड स्कर्ट को रीयूज कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा हैवी भी होता है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ में आप मिक्स एंड मैच करके आपके लहंगा स्कर्ट को रीयूज कर सकते हो। नाउ फर्स्ट इज कि आप अपने स्कर्ट को किसी भी तरीके के कंट्रास्ट कुर्ते के साथ में, स्ट्रेट कुर्ते के साथ में टीम अप कर सकते हैं। कुर्ता आपका स्लीवलेस भी हो सकता है, आपका फुल स्लीव भी हो सकता है, सिल्क मटेरियल में भी हो सकता है। एंड ट्राई करिए कि आप किसी फ्लैट कलर के कुर्ते में इन्वेस्ट करिए, कि आप एम्ब्रॉयडरी से टीम अप करके या फिर आप लहंगे के बेस कलर के साथ में मिक्स एंड मैच करके कंट्रास्ट में एक कुर्ता ले सकते हो, और उसके साथ में आप आपका स्कर्ट टीम अप कर सकते हो। सो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो स्कर्ट पे हैवी हैवी वर्क होगा ना, वो इमिडिएटली सेटल अप हो जाएगा, और हैवी वाला जो पार्ट होगा ना लहंगे का, जो हैवी फील करा रहा होगा ना, वो इमिडिएटली गायब हो जाएगा, और आपका जो ओवरऑल लुक होगा वो बहुत ज्यादा सुंदर भी निखर के आएगा। सो इस तरीके से आप अपने स्कर्ट को रीयूज कर सकते हो। आप इसमें किसी भी स्ट्रेट फिट कुर्ता का यूज कर सकते हो, किसी भी जैकेट स्टाइल कुर्ते का यूज कर सकते हो, स्टैंड कॉलर कुर्ते का यूज कर सकते हो, या फिर स्लीवलेस कुर्ते का भी यूज कर सकते हो। ना कुर्ते एंड स्कर्ट के साथ में आप चाहो तो कोई एडिशनल मैचिंग दुपट्टा भी कैरी कर सकते हो, या फिर आप लहंगे का ही दुपट्टा कैरी कर सकते हो अगर आपका लहंगे का दुपट्टा लाइट है तो। अब इसके बाद देख लेते हैं कि लहंगा स्कर्ट तो हमने यूज कर लिया, बट लहंगे का जो दुपट्टा होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैवी होता है। मेरे लहंगे का जो मेन दुपट्टा था ना, वो भी बहुत हैवी था। अब इस तरह के हैवी दुपट्टे को आप किस तरह से कैरी कर सकते हैं, इसके 2-3 टिप्स हैं जो मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली चीज की आप दुपट्टे को लहंगे के साथ ही किसी दूसरी ब्लाउज के साथ में टीम अप करा करके यूज कर सकते हैं, एंड इसके बाद में आप इस दुपट्टे को किसी भी स्ट्रेट फिट कुर्ता के साथ में कैरी कर सकते हो। जस्ट लाइक आप सिंपल दुपट्टा कैरी करते हो, बस उसी तरीके से आपको लहंगे का दुपट्टा भी कैरी करना है, एंड आपने उसके साथ में कोई टीम अप करा लिया है कुर्ता, स्ट्रेट फिट कुर्ता भी हो सकता है, अनारकली कुर्ता भी हो सकता है, फ्लोर लेंथ कुर्ता भी हो सकता है, या फिर कोई गाउन पैटर्न में जो कुर्ताज वगैरह मिलते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। प्रिंटेड कुर्ता भी चल जाएगा, लाइक इस तरीके का जो मैंने न्यूट्रल कलर में प्रिंटेड कुर्ता लिया है, और व्हाइट पे गोल्ड कलर मैंने उसमें लिया है, अनारकली पैटर्न में सैंड कलर है, तो मैंने ये कुर्ता लिया है। इसी तरीके का आप कोई कुर्ता ले सकते हैं, जो भी आपके दुपट्टे के कॉम्बिनेशन में प्रिटी लगता है आप वो कुर्ता पहन सकते हैं। अदरवाइज कोई भी फ्लैट कलर का कुर्ता है या फिर गोल्ड कलर का कुर्ता तो बहुत ज्यादा स्मार्ट लगता है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप एक फ्लैट ऑफ व्हाइट कलर का कुर्ता बनवा लीजिए, जिसमें काफी ज्यादा घेर हो, और ये जो घेर वाले कुर्ते होते हैं ना, ये हर ओकेजन पर फिट हो जाते हैं, किसी भी तरह की पार्टीज में फिट हो जाते हैं, एंड इस तरीके के हैवी दुपट्टे के साथ में ना, तो ये बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड गॉर्जियस लगेंगे। सो डेफिनेटली आप ये वाला टिप जरूर ट्राई करना। ना मैंने क्या किया था कि मैंने मेरा लहंगा जो स्कर्ट था इसको मैंने मेरी फर्स्ट स्टेज पे कैरी किया था मेरी चुन्नी के साथ में, और एक डिफरेंट ब्लाउज के साथ में मैंने इसे टीम अप किया था और एक नया लुक क्रिएट किया था। इस तरीके से मैंने इसे रीयूज किया था अपना लहंगा, एंड इसी तरीके से आप भी रीयूज कर सकते हो।
और बात होती है लहंगे के ब्लाउज की, तो लहंगे का ब्लाउज एक ऐसा होता है कि अगर आपने एक बार स्टिच करा लिया, सो अगर आपका बॉडी का जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं हुआ है तब तो आप ब्लाउज को यूज कर सकते हो, अदरवाइज ऑल्टर कराने में ब्लाउज बहुत डैमेज होते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने ब्लाउज को बार बार ऑल्टर कराओ, क्योंकि उसकी वजह से एम्ब्रॉयडरी एंड कपड़ा बहुत खराब हो जाता है। बेटर है कि आप उसे कट करा करके एक नया ब्लाउज में कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें जो बॉर्डर्स वगैरह दी होंगी, लेसेस वगैरह दी होंगी, उसे आप निकलवा करके एक नए फैब्रिक पे आप स्टिच करवा लीजिए या फिर एम्बेलिश करवा लीजिए एंड एक नया ब्लाउज आप बनवा सकते हो। बट अगर आप इस प्रोसेस से बचना चाहते हो तो आप आपके लहंगे से सिमिलर कोई एक अदर ब्लाउज बनवा सकते हैं या फिर रेडीमेड ब्लाउज भी परचेज कर सकते हैं, लहंगे के साथ पे टीम अप करके पहन सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने लहंगा और सेम चुन्नी के साथ में एक डिफरेंट ब्लाउज को टीम अप किया है लहंगे के साथ में, और ये एक साड़ी का ब्लाउज है जिससे मैंने लहंगे के साथ में टीम अप किया है। इस पे मिरर वर्क है एंड क्योंकि मेरे लहंगे पे स्टोन वर्क था तो इस पे काफी अच्छे से ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके बाद अगर आपका लहंगा ब्लाउज काफी अच्छा है, अभी आपको आ रहा है, आप पहन सकते हो, बट आप उसे लहंगे के साथ में कैरी नहीं करना चाहते हो, तो आप उसे किसी भी और साड़ी के साथ में कैरी कर सकते हैं, साड़ी के साथ में टीम अप करा सकते हैं। एंड लहंगे के जो ये हैवी ब्लाउजेस होते हैं ना, वो प्लेन साड़ी के साथ में बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इवन बनारसी साड़ी के साथ में, सिल्क साड़ी के साथ में तो ये बहुत फबते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। सो इस तरीके से आप लहंगे के ब्लाउज का भी रीयूज कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज इट एंड आई होप आपको ये जो मेरे लहंगा टिप्स थे, स्टाइलिंग टिप्स थे, आपको अच्छे लगे होंगे एंड हेल्पफुल लगे होंगे। अगर ये टिप्स आप कहीं हेल्प करते हैं आपके लहंगे को रीयूज करने में, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मुझे इस वीडियो को कॉमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। एंड अगर आप इससे सिमिलर कोई लुक क्रिएट करते हो तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे पिक शेयर जरूर करिएगा एंड मुझे टैग करना मत भूलिएगा। टैग करने के लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है amajaiswal29। ऑल्सो मुझे फॉलो जरूर करिएगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट अपलोड्स होती हैं, अपडेट्स होती हैं, वो मैं वहाँ पर पोस्ट करती रहती हूँ, आपको मेरा लुक बुक भी वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।